नमस्ते दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला तो प्रकाश क्या होता है और दूसरा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा होता है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि प्रकाश की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश ना हो तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अंधेरे में हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते क्योंकि उस जगह पे प्रकाश ही नहीं होती है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश क्या करता है, हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, प्रकाश का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा होता है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है ठीक है, अब प्रकाश का नेचर क्या क्या होता है ये समझिए। प्रकाश का नेचर क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, पहला तो हम लोग समझ गए कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि प्रकाश कण है। ठीक है, प्रकाश क्या है, कण है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि प्रकाश कण है और कुछ ने कहा था क्या कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग है, ठीक है। हालांकि ये दो नेचर, प्रकाश की इस दो नेचर के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12th का टॉपिक है, इसलिए सिर्फ इतना ही समझिए कि प्रकाश कण है और प्रकाश तरंग है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश का ये नेचर के बारे में बताया गया था। और चौथा नेचर क्या है प्रकाश का, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वो कभी भी इस तरह का आड़ा तिरछा रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जहाँ भी जाएगी सीधी रेखा में जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, प्रकाश का ये नेचर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रकाश के बारे में आप लोग समझ गए। अब प्रकाश क्या करता है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, अलग जैसा स्थिति रहेगा उस टाइप का बिहेवियर को दिखाता है। जैसे कि प्रकाश का एक घटना का बिहेवियर क्या है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, और कुछ घटनाओं में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का दो घटना होता है अलग अलग स्थिति के वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जब
जब प्रकाश पॉलिश या इसको रजदित सतह पर गिरती है तो यह वापस लौट जाती है। प्रकाश का इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब प्रकाश पॉलिश या रजदित सरफेस पर गिरती है तो ये वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। पॉलिश या रजदित सरफेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा सरफेस या उसको मिरर समझ लीजिए जो पेंटेड है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है या फिर चिकना सरफेस है। ठीक है, चिकनी सरफेस से हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये मान लीजिए कि एक सरफेस है जो कि पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, चिकनी सतह है। इस पे यहाँ मान लीजिए एक सुंदर सा सूर्य बना लेते हैं। इस सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सिर्फ प्रकाश के एक ही पुंज को हम लोग लेंगे ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में। ठीक है, हालांकि प्रकाश सूर्य बहुत सारा किरण पुंज को भेजता है, लेकिन सिर्फ एक पुंज को हम लोग लेकर के समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इस सूर्य से प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये सीधी रेखा में आ रही है क्योंकि प्रकाश हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरह से आ रही है और ये पॉलिश सरफेस में टकराती है, इस जगह पर टकराई, इस बिंदु पर, और ये फिर वापस लौट गई। ठीक है, वापस लौट गई। तो यह जहाँ से ये प्रकाश पुंज आ रही है, ठीक है, जहाँ से ये प्रकाश लाइट पुंज आ रही है, इस प्रकाश पुंज को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और इस जगह पर टकराने के बाद जब प्रकाश वापस लौटती है तो इस प्रकाश पुंज को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश पुंज कहाँ पर टकरा रही है, इस बिंदु पर टकरा रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बिंदु को, जिस बिंदु पर प्रकाश पुंज टकराती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतित बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस आपतित बिंदु पे एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, अभिलंब का मतलब क्या होता है कि जब किसी सतह पे अगर कोई सीधी रेखा खींची जाए तो सतह से ये अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस लाइन को हमें अभिलंब कहते हैं जो सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, सतह हमारा ये है, इस पे अभिलंब डाले इस बिंदु पे, तो ये बिंदु ये लाइन क्या कहलाया, अभिलंब कहलाया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ एंगल बनता है। ठीक है, इस एंगल को हम लोग आपतित कोण कहते हैं। आपतन
आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए, समझ में आया? फिर से एक बार समझा देती हूँ। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश पॉलिश या रजदित सरफेस पे, रजदित मतलब होता है पॉलिश किया हुआ ही, उसको हिंदी में रजदित कहते हैं, ठीक है, सतह पर गिरती है तो यह वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सरफेस से पॉलिश किया हुआ, इस पे सूर्य से आया हुआ प्रकाश, प्रकाश किसी भी तरह का हो सकता है, यहाँ पे मैंने सूर्य से लिया हुआ है, लेकिन कोई भी प्रकाश जब सतह पर पॉलिश सरफेस पे गिरता है तो वो परावर्तित वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन का घटना कहते हैं, ठीक है। जो किरण पुंज प्रकाश स्रोत से आ रही है उस किरण पुंज को आपतित किरण कहते हैं, जिसको IR से डिनोट करते हैं, और टकराने के बाद जो पुंज वापस लौटती है उस पुंज को परावर्तित किरण कहते हैं, इसको कैपिटल RR से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जिस बिंदु पर ये किरण गिरती है उस बिंदु को आपतित बिंदु या आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, आपतन बिंदु पे एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको θi से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको θr से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार, ठीक है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार क्या होता है, नियमित परावर्तन, और दूसरा प्रकार होता है विसरित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन का डेफिनेशन देख लीजिए, जब प्रकाश समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन के बाद यह निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कैसे, इसको आइए समझते हैं कैसे। नियमित परावर्तन समतल सतह पे होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये देखिए ये समतल सतह है पॉली सरफेस, ठीक है, जो कि समतल है, ठीक है। इस सतह पे एक प्रकाश पुंज आई और ये परावर्तित हो गई, ठीक है। सिर्फ एक ही, किसी भी स्रोत से, प्रकाश स्रोत से सिर्फ एक ही प्रकाश पुंज तो नहीं आती है, ठीक है, अनेक प्रकाश पुंज आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रकाश पुंज आई, इस तरह परावर्तित हुई, इसी तरह अगर दूसरा प्रकाश पुंज आता है तो इस तरह आके इस तरह परावर्तित हो जाता है, पैरेलली, इसी के पैरेलल, समतल पृष्ठ पे, याद रखिएगा, समतल पृष्ठ पे जब प्रकाश पुंज आती है तो ये परावर्तित होती है, फिर इसी जगह से आ रही है तो ये फिर ये पैरेलली परावर्तित हो जाएगी, इस तरह परावर्तन होगा। तो इस तरह जब पैरेलली एक ही दिशा में परावर्तन होता है समतल पृष्ठ पे आपतित होने के बाद, ऐसा सिर्फ समतल पृष्ठ पे होता है कि समतल पृष्ठ पे कोई किरण पुंज बहुत सारे किरण पुंज आके वो वापस परावर्तित होते हैं तो एक ही दिशा में वापस चले जाते हैं, तो इस तरह का परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं,
ठीक है, समझ गए। अब आते हैं विसरित परावर्तन में। विसरित परावर्तन किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए क्या है विसरित परावर्तन। क्या है? जब प्रकाश किसी खुरदरे सतह पर आपतित होती है तो यह अलग अलग दिशा में परावर्तित हो जाती है, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देख आइए समझते हैं इसको, विसरित परावर्तन कैसे हुआ। इस टाइप का मान लेते हैं ये समतल सतह नहीं है, ये एक सतह है जो इस टाइप का कोई खुरदरा सतह हुआ है। ठीक है, खुरदरा सतह है। अब क्या क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकाश पुंज आता है, इस साइड वापस लौट जाता है, फिर मान लेते हैं ये ऊपर इस तरह गिरता है तो इस तरह लौट जाता है, इस तरह से प्रकाश पुंज आया तो इस तरह वापस गया, इस तरह से आया इस तरह गया। मतलब कि जब भी प्रकाश पुंज कहीं से भी आएगा और टकरा कर, क्योंकि ये खुरदरी सतह है तो कभी इस जगह पे आपतित होगी, कभी इस जगह पे आपतित होगी, समतल तो है नहीं, तो दूसरे अलग अलग दिशा में प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, इस तरह के प्रकाश के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।